दो शालिग्राम शिलाएं पहुंची अयोध्या। नेपाल से 373 किलोमीटर और 7 दिन का सफर, भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी। 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। 2-3 हजार लोगों ने सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर स्वागत किया। जय श्री राम के जयकारे लगे, ऐसा लगा मानो उत्सव हो। श्रद्धालुओं का हजूम इस कदर उमड़ा कि शिलाओं को राम सेवकपुरम में पहुँचाने में 1 घंटा लग गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल शर्मा, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने शिलाओं को राम सेवकपुरम में रखवाया। सुरक्षा के लिए बाहर PAC पुलिस तैनात की गई है। गुरुवार सुबह शिलाओं का पूजन किया जाएगा, इसके बाद राम मंदिर में महंत को सौंप दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में शिलाओं को रखने के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं पूजन में शामिल होने के लिए 100 महंतों को आमंत्रित किया गया है। वहीं उड़ीसा और कर्नाटका से भी शिलाएं अयोध्या आएंगी। इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन मूर्तिकार करेंगे, फिर उनके परामर्श पर ट्रस्टी विचार करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया, भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति किस तरीके की हो और किन शिलाओं से 6 मूर्ति निर्मित हो, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है। इसके लिए देश भर के मूर्तिकारों के विचारों को जानने के लिए बुलाया गया है। भगवान की मूर्ति की भाग भगिमा कैसी हो, इस पर गहनता से विचार किया जा रहा है।